क्या पता, अब मुस्कान का कल बर्थडे है तब इसलिए हम लोग आए हैं गिफ्ट लेने। मैं 3 बजे हम लोग का नाश्ता होने जा रहा है, मतलब अभी तक मैंने कुछ खा ही नहीं थे, सब काम हम कर रहे थे। पहला फोन तो जुड़ी को अम्मी स्पेशल हो रहे हैं, गए नीचे लो। मैं बोली वॉशरूम आइए, मेरे को क्या बोलूँ, फोन कर बोल ऊपर आप कैसे, थोड़ा लेट हो गए। अच्छा मलाई सीख रही हूँ, मलाई है पागल बोली मलाई। Happy birthday to you, happy birthday to you। क्या जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कल मुस्कान का बर्थडे है, बर्थडे कल क्या करती है मुस्कान, और अभी तो हम लोग जा रहे हैं मुस्कान के लिए गिफ्ट लाने, मैं आपा नगमा शबीना, देखते हैं उसके लिए क्या कुछ अच्छा है तो वो लेकर आते हैं। यहाँ पे ब्लॉग में बने रहेगा, आपको सब पता चलेगा कैसा क्या करेंगे। वैसे सेलिब्रेशन तो कुछ इतना होता नहीं, हम लोग करते नहीं ज़्यादा, बट फिर भी देखते थोड़ा बहुत क्या होएगा। कुछ फ़ायदा नहीं नेबर होने का, भी इतना पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं, आप लोगों को फेमस कर पहले मिलवा उसमें। तो अभी आपा मुस्कान के लिए ये वाला ले रहे ना, ये क्या है, चांदी का आपा कान का ले रही है, और मैं नाक का ले रही हूँ मुस्कान के लिए। कितने का ये आपा बार्गेन कर रही है, क्या पता। अब मुस्कान का कल बर्थडे है तब इसलिए हम लोग आए हैं गिफ्ट लेने। मैं नौ, तू क्या ले रही नगमा, पूछो तेरे से मत पूछ। जब मैम इसका लेकर नाके छोटा सा डायमंड का चांदी का ले रही हो, ये मुझे तो समझ नहीं है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आपा का फैन मिल गया, फैन आपा के दोस्त ही है, हम लोग के नेबर है, दोस्त कहाँ से, वे नेबर है अपने, फिर भी कुछ कम नहीं कर रहे भाई। नगमा ने भी ली है, मैंने उसके लिए डायमंड वाला लिया, और नगमा ने ऐसा गोल्ड में का लिया तार, उसका नहीं पास दो दो नाक के होंगे चांदी। शबीना उसके लिए खाना बनाएगी, बिरयानी, बिरयानी बनाने वाली ना शबीना, अरे शबीना का बिरयानी बनाना, मम्मी का देने वाली थी, अम्मी का देने वाली थी, चलो ले वो तो दे दूंगी अभी मैं जा रही हूं। The next day. तो जस्ट अभी मैं नहा धो के कपड़ा वपड़ा सब, मतलब कपड़ा धुल के काम वाम सब करके, तो शबीना वनडे की कुर्सी बना रही, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया, और जस्ट अभी सब मेरा काम हुआ है, सब फारिग भी पढ़ के मैं हो जाएगा। और आज मुस्कान ने ऑर्डर की है सीख बिरयानी, तो आज हम वो इंजॉय करेंगे, और तुम लोगों को दिखाती हूँ। मैं जस्ट अभी बेडरूम साफ की हुआ, कपड़े पस भी, तो मेरे घर में कपड़े का हाल है, का टाइम है, तो कपड़ा हम लोग का ऐसे सब टांग वाग के सुखाना, ऐसे सब टांग के सुखाना पड़ता है। अंडा वंडा भी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, 3 बजे हम लोग का नाश्ता होने जा रहा है, मतलब अभी तक मैंने कुछ खा ही नहीं थे, सब काम हम कर रहे थे, तब भी कुछ खाने जा रही थी, तब मुस्कान का ऑर्डर रात तक के आएगा, मतलब 5 बजे तक के आएगा, तो तब भूखा तो नहीं रह सकते हम लोग, तो इसके लिए अभी हम लोग अंडा मतलब भुर्जी ब्रेड खाएंगे, और हाँ चार डाल दी जी। कैसी दोस्त लोग है, इसको कॉल करी तेरे को, तूने रिटर्न कॉल नहीं की ना, शबीना मेरे को कॉल नहीं करी, शबीना ने कसम खुदा की देख मेरा फोन, नहीं इसे कॉलो नहीं की, वो चली गई, तो मैं कहां से करूं, मेरे फोन में रिचार्ज थोड़ी है फ्री, तूने मेरे को कॉल बैक मैंने क्यों नहीं की, यही वजह से नहीं की कि मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। तूने आपा को नहीं बोली, क्या नहीं बोली, बोली मैंने, सुन रही थी तेरी आपा, पूछ ले, जब तूने कॉल की थी तूने बोली ना कि हां चली गई शबीना, तो मैंने कॉल की, बोली स्कूटी गई, वो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ है। तमाम शबीना तुम लोग को दिखाई कि ज़बरदस्ती वो चली गई है घर पर, और अम्मी को नहीं पसंद आता है कि कोई भी घर पे से ऐसा मतलब नाराज़ होके जाए, तो अम्मी सीधा रूम में लग गए। चलो फोन तो नहीं नगमा की वजह से, तू ना मेरा नाम ना करी, मैं बल्कि दवा लेकर आई थी, इंजेक्शन लेकर आई थी, तो गला सही कर दे रहा है, कैसी दोस्त है तेरे से, नाराज होके गई वो, इसको मैं पहले मारूं,
मेरी कोई गलती नहीं, मैं बीमार हूं, मैं तो मम्मी तुम फालतू का रो मत, इतने तो बात पर रो रहे हो। फोन लगा उस जुड़ी को, मम्मी इसमें ऐसा रो रहे तो गाइस अभी मैं जा रही हूं शबीना को लेने। शबीना ने मम्मी को रुला दी है, हम लोग उसको लेने जा रहे हैं। अब वो बहुत मार खाने वाली है, उसके दिन भर गए बहुत ज्यादा। नहीं वो बोली किससे बिना पूछे वो गई, और बोली गई मैं ना आऊंगी भी नहीं, बहुत काम आएंगी नहीं उस, वो क्या उसका अच्छा भी आएगा, देखा उसको लेने जा रहे हैं अच्छे बच्चे भी उसका, उसको ना चलने वाला नहीं अपने बिना। क्या भाई सिर्फ पूछ रहा था अभी लोग भुर्का पहनी, बस मैं भुर्का नहीं पहनी। मैंने कपड़ा भी चेंज कर दी क्योंकि मेरे को सब उलझन, वो भी एक अच्छी नहीं बोल तुम्हारा, वो चप्पल पहन के गई मानो, ये तुम पहन रहे सुनारा शादी में जा रही, पैसे तो पिन नहीं लगाते सीधा। हाँ ऐसा तो पिन नहीं लगाएंगे तो लोग तो उसके लिए जा रहे, रियल इंसान तो अच्छे से नहीं देखेगा भैया, लोग ताड़ लेके तो खुशी होगी ना। गए नीचे लो, मैं बोली वॉशरूम आई मेरे को, क्या बोलूँ फोन कर बोलो ऊपर आप। अरे उतर गई कैसे, तभी तो चौंकाने वाली थी लोग, अभी तक पूरी निकल निकल वापस फोन कर बोल, मैंने फोन की सभी ना आया सपोर्ट तुम लोग ऊपर आ जाओ, मैं रिटर्न फोन कर रही थी। बाप रे बोलूँ मैंने पहुँचाने दी जानते बहन, मैं एक ट्रेन चलाने वाली हूँ कल, वो क्या पहुँचाने दी बोला ऊपर 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 अम्मी बुला रही आपा का, देखिए मैं बोली ना आपा का फोन स्विच ऑफ था तो बोल रही थी ना मेरे को फोन नहीं की, बोल आपा ऊपर हो अम्मी बुला रहे हैं और क्या बोल बेटन बात कर रहे जैसे आएंगे ले लो फिर दिखा दो ऊंचे दरवाजे के पीछे बोलने की चीज नहीं, फ्रेंड बैठ के फोन डाल क्या बोलना सीता इधर बैठ के बोलना चाहिए ना निकल निकल। हेलो अरे आप ये बोलो ऊपर आ जाने क्योंकि अभी अम्मी ने ना उसके अम्मी से मतलब शबीना को वापस से कॉल किया ना तो फिर उसकी अम्मी ने फोन उठाया तो उसकी अम्मी से बात की तो शबीना फिर बोली कि हाँ अभी आ रही हूँ मैं बोलते प्रे। अरे क्या ये सब बचा है क्या अभी प्रैंक कर रहे बोल रहे जाना दरवाजे के पीछे खड़े जा तो बोल लग रहा है प्रैंक की ऐसे छुपी रहेगी। तो गाइस शबीना रिटर्न आ रही है, अब क्या पता सही में आ रही कि नहीं, और मैं तो वॉशरूम में जा रही तो अच्छा हुआ फोन आया तो मैंने उठाया लोग वापस से चढ़ कर आ गए हैं, और लोग का कहना है कि मुस्कान के साथ गई है, मुस्कान के साथ ही गई तो मैं है नहीं भाई इतनी कमी नहीं है मेरे को रुलाई कैसे थोड़ा लेट हो गई बिरयानी घंटे से बैठाई हो तो हाँ ना देखो पूरा सर
हमारी क्या है सिख सिख बिरयानी बोली भी की वो जा ही नहीं सकती ऐसा कहना। मुस्कान का बर्थडे तूने अभी सुनेगी ना, मुस्कान का बर्थडे उसने एक बार भी नहीं सोचा कि चली गई बोली उसने। झगड़ा भी नहीं, मैंने तो झगड़ा भी नहीं की, मैंने उसको कुछ बोली नहीं, मैंने उसको रास्ते में ना शेरालम को कौन बोला कि सबीना गई, कोई बोला शेरालम घर पे ही था ना, शेरालम हम लोग के साथ मिक्स था, वो तो गुंडा डाल के ढका दिया। नहीं वो दागिना देखी तूने नाच की जोली, मैं क्यों जाऊं कहीं करती हूं सारा नहीं ले पाई, मेन जो क्लिप था ना हमने वही नहीं ले पाए, जब अम्मी और आपा तुम चिल्ला के आपस में उड़े गए थे उधर चली गई क्योंकि डैडी पे से अचानक से निकली ना शिट, वाला क्लिप मिस हो गया। तो ये बिरयानी बीच में से क्यों निकाल दे साइड से निकाल, हां मलाई बिरयानी है ना, सीख बिरयानी मलाई बिरयानी है, अच्छा मलाई सीख बिरयानी मलाई है, पागल बोली मलाई चम्मच भी नहीं दिया है ना फिर तू, अच्छा ये देख पूरी मलाई है दिख रहा है तुमको, हाँ तभी ये इसका हम लोग फातिया करेंगे, फिर आधा गरीबों में बांटेंगे और आधा सब लोग घर को खिलाएंगे। अभी शबीना रेडी होने के लिए कपड़ा ढूंढ रही है कि उसको जरा नहीं मिल रहा है, अब कपड़ा उसके बॉडी पे अटक चुका है, नहीं दिख रही है तो इस तरह कपड़ा ही नहीं दिख रहा है, तो देख लेना ये मुस्कान की दोस्त आई है जो बड़ी शर्मा रही है, ये भी फेमस है ना, तो इसका नबी आई है और मुस्कान इतनी बड़ी कंजूस है ना, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ये गरीबों को इसको खाना देना तो वो डब्बा लेकर आना चाहिए, तो उसने ये लेकर आई थैली में देगी, ये थैली में ना अपने दोस्तों को खाना भिजवाना, जैनब खाना खाएंगे लेकर भी जाने ना तुम्हारे को लेकर नहीं जाएंगे, मुस्कान तुम खाना नहीं देंगे इनको रिटर्न लेकर जाने के लिए, तो ये थैली में देना ये थैली में लेके जाना, खा के जाएंगे लेके भी जाना, बहुत है खाना, चार पांच थैली लेके जाना। हाँ मुस्कान जा रही है अपने बेस्ट फ्रेंडों को खाना देने, झूठ मत बोलो, उसमें से एक दोस्त ही है, नहीं मुस्कान गरीबों को खाना देने जा रही है, ये अच्छी बात है, जाओ ना। सभी केक कटने की तैयारी हो रही है जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केक खाने का, हटाओ ना मेरे मुंह से, एक और केक है पहले जज कर देखना, मेरे को ये नहीं पसंद जिसके जो ये ना चबाने में तो नहीं होता है, निकाल ना ये निकाल, ये केक देखो खास ऑर्डर पे मैंने बनाया, उसको ऑर्डर पे बनाए चुप बैठा बोल दी दिया मैं चुप, दिमाग देख अच्छे से रिबिंस वगैरह चल, ऑर्डर पे नहीं बनता समझे, मैं कहूं दो मिनट का काम है इसको बोल लेंगे ना वो हो जाएगा, ठीक है चलो अभी एक स्पार्क का नहीं चल रहा हम लोग से, अपन दोनों काटेंगे साथ में काले काले दोनों, तेरी हाउडी है जरा केक काटने का वेट नहीं कर रही, सीधा नाम ही उठा के खाने लग गई है पागल, एक बार के चॉकलेट तो भी चलेगा तो दिखेगा नहीं, अल्लाह काटे रे इससे पहले आफरीन, ये जाली के पीछे ही पड़ी है, उसको देख ही चला कि उसके अंदर का चॉकलेट हो, कौन सी ने भी निकाल ली, ए पीछे इस तरह था ना, इसने उठ छुपा दिया, इधर छुपा दिया दे ना, ए दे दे कौन सा ला खाई ये वाला ना, से लोग सब खा ले रे केक, तो तू भी खाना नहीं खाना है, वो कट करेंगे इसके बाद में खाओ, तू जल मत तू खा ले बस, चल ही बुला फिर आओ तो जंजीर तोड़ना, आ देख लो दे यू फाइटिंग, दे फाइटिंग फाइटिंग, अरे आओ नहीं सब गायब हो जाएगा सब चॉकलेट, पूरे मिल गया हम लोग का, हाँ ना रिबिन रिबिन खोलो, ए लुक केक नास खा ले रे देख, ए पहले अरे ये भी खाई ये भी खाई सबने, एक स्पा सब करा के लाई मोटी तरह, नहीं जल्दी से हो ही नहीं रहा, अरे अब तो जलना ही है बस, भाई थोड़ा रखो रखो अम्मी आ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
अच्छा हुआ बस ना हेलो तो लो उसको देख क्या अरे लो जल्दी तू काटने दे पहले उसको क्या कर रही है जरा खुलो आंख से भी नहीं काटी मतलब अभी तक नहीं काटी तो मैं पहले गुल कर दिए मैं से बहाया बोला ऐसा पड़े ओ नहीं अब तो जंजीर तोड़ना ही पड़ेगा जंजीर पिघल गई है मैं इसको मुंह में मारता है अच्छी तरह मोड़ ले रहा है इसका मैं दोस्त को तो खिला सो है गाइस ये क्या हुआ है आपने इसका पूरा सारे केक गिरा डाली इसने वो गलती से गिर गया चलो क्या कर अब गिर गया तो आपने तुम्हारा दुपट्टा सारे केक गिरा डाली इसने वो गलती से गिर गया चलो क्या कर अब गिर गया तो आपने तुम्हारा दुपट्टा मैं दुपट्टे को पूरी बाट लेती हूँ अरे माँ मेरे को लगा दूसरा भी गिर गया ये बहुत जल्दी उठाई ना दो दो करके कैसे दोनों मिनट अरे उसके अंदर चिकन है ना तो कैसे मुंडे डाल रहा चलो मैं जा रही हूँ ये लोग जा रहे हैं बाय गाइस क्या चाहिए मेरा फोन कहाँ गया क्या जी मम्मा अभी जो तुमने देखे ना मतलब अचानक से इतना ध्यान गया नहीं था कालू पे तो कालू को देखे उसको पता नहीं ब्लड अचानक से आने लगा क्योंकि उसको ना मुस्काने ने स्प्रे मारी थी तो आई थिंक सो कि वो स्प्रे को जैसे निकालने के चक्कर में ना उसका खुद कम तक कुछ लगभग गया होगा तो अब तो खाना ना खा रहा है अभी तो सही है बाकी सुबह हम लोग उसको डॉक्टर को जाएंगे दिखाएंगे क्या कैसा है ताकि कुछ हो क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि हम लोग बिल्लियों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हद से ज़्यादा ज़रा भी कुछ होता ना तो हम लोग फ़ौरन चले जाते हैं डॉक्टर के पास तो अभी तो फिलहाल बस सही है पता नहीं इस वजह से वो इरीटेड हो गया तब क्या है तब प्रॉपर समझ में भी नहीं आ रहा है तो अभी जो भी अब डॉक्टर के पास ही जाने से मालूम पड़ेगा और मुस्कान का केक वगैरह सब कट चुका है सब लोग ने खाना भी खा लिया सब लोग घर पे जा रहे हैं तो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय बाय फिर मैं मिलूंगा